Subscribe my channel and press bell icon for latest update. हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? मैं सत्यम त्यागी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्यम टेक्निकल त्यागी में। और हम पढ़ने वाले फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 16। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मैंने कई बार कही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन जो फ्लूइड जिसलिए हमने पढ़ी थी, जिस चीज को हम यूज कर सकते थे, उस टॉपिक को आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए जानते हो टॉपिक क्या है। तो हम पढ़ने क्या वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं प्रेशर नापने के तरीके। क्या पढ़ने वाले हैं? हम मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। अब जैसे हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, तो नाम से समझ में आ रहा है कि हम प्रेशर इसमें नापने वाले हैं। लेकिन प्रेशर कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो हमें दिखती हो। जैसे कि हमने देखा, ये मार्कर है इसके लिए नाप दिया, ये बुक है इसके लिए नाप दी, ये बेड है इसलिए नाप दिया, हमने इंच टेप भी नाप लिया। प्रेशर ऐसा थोड़ी ना, अरे वो ज्यादा प्रेशर पकड़ा उसे नाप दिया। प्रेशर हम फील करते हैं। आपके हमें तो फील नहीं हो रहा। आपको जब से आप पैदा हुए हैं जब तक मरेंगे, आपके शरीर पे 1.013 बार का प्रेशर पड़ रहा है रोजाना हर दिन। तो आपको फील नहीं होता क्योंकि आपको उसकी आदत पड़ गई। हमारे बाल ही हमेशा यूं क्यों रहते गिरे हुए, वो बात अलग है। एक्स लगा खड़े करता वो बात अलग होती है। तो प्रेशर नापने के तरीके कौन कौन से? पहला तो हमने पढ़ लिया पिछली वीडियो में, कौन सी? बैरोमीटर, जिसमें हमने पढ़ा था एंड में। तो बैरोमीटर क्या था? जो प्रेशर नापता है। तो इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं, कौन कौन से देखते हैं। एक है हमारा मैनोमीटर, और दूसरा है हमारा मैकेनिकल गेज। अब आप कहें मैनोमीटर या मैकेनिकल गेज आखिर है क्या? अभी क्या है? मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर नापने के कोई ना कोई डिवाइस है। जैसे बैरोमीटर पढ़ा, तो हमने बैरोमीटर क्यों लिखा? वो भी इनमें से किसी नाम में क्या आता होगा। तो फिर हम जरा इनके एक बार देखते हैं डेफिनेशन, मैनोमीटर और मैकेनिकल गेज की। तो मैनोमीटर क्या है? मैनोमीटर की अगर हम बात करें, दी डिवाइस आर यूज टू मेजर प्रेशर। दी डिवाइस आर यूज टू मेजर प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ फ्लूइड। मतलब क्या इस चीज का? ये जो डिवाइस है वो प्रेशर को मेजर करने के काम आते हैं एट एनी पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट पे। जैसे ये हमारा फ्लूइड बह रहा है, तो अगर हमें इस पॉइंट का पता करना है तो मैनोमीटर का यूज करेंगे। और मैकेनिकल गेज की डेफिनेशन देखते हैं। मैकेनिकल गेज की डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है दिस डिवाइस आर यूज टू मेजर प्रेशर। हाँ, कोई दोनों तो सेम है। अरे मेजरमेंट प्रेशर है तो प्रेशर नापने का काम तो करेंगे, लेकिन ये जो डिवाइस है वो मेजर करते हैं प्रेशर को बाय डिफरेंट पॉइंट नहीं है, बाय डिफरेंट कॉलम्स एंड प्रेशर विद द हेल्प ऑफ डेड वेट या स्प्रिंग। हमने इतनी बड़ी ये कथा तो दी, लेकिन है क्या? अब समझते हैं इस चीज को। ये है मैकेनिकल गेज। जैसे नाम से समझ में आ रहा है मैकेनिकल, यानी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट लगे। क्या लग रहा है? एक लग रहा है डेड वेट और दूसरा लग रहा है हमारी स्प्रिंग। ये डिवाइस प्रेशर को मेजर करने के काम आते हैं जब डिफरेंट कॉलम में हो या डिफरेंट प्रेशर हो। इसे हम कैसे नापते हैं? इसे हम नापते हैं डेड वेट या स्प्रिंग की मदद से। अब मुद्दा है, इसके भी कुछ पार्ट होंगे। तो जरा उनके एक बार ग्राफ बना लेते हैं, मैनोमीटर में कौन कौन से आते हैं और मैकेनिकल गेज में कौन कौन से आते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। तो ये रहा हमारे सामने मेजरमेंट ऑफ प्रेशर का चार्ट। क्या चार्ट है? मेजरमेंट ऑफ प्रेशर दो टाइप्स के, कौन कौन से? मैनोमीटर, दूसरा मैकेनिकल गेज। मैनोमीटर में भी दो टाइप, एक सिंपल दूसरा डिफरेंशियल। सिंपल में तीन टाइप, पीजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर और सिंगल कॉलम मैनोमीटर। अभी यूट्यूब मैनोमीटर यूट्यूब वाला नहीं आ रहा। डिफरेंशियल मैनोमीटर में दो टाइप, यूट्यूब मैनोमीटर था सिंपल का
और यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर है डिफरेंशियल का, इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर डिफरेंशियल का। मैकेनिकल गेज में तीन टाइप कौन कौन से, एक है बोर्डन ट्यूब, डायफ्राम और प्रेशर गेज। अब इतने सारे मेजरमेंट है प्रेशर के, अब हमें पढ़ना कौन सा है? सबसे बड़ी बात तो ये पढ़ने हमें सारे नहीं है, वो सारे भी पढ़ने हैं, तो मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पे टिक लगा देता हूँ। इंपॉर्टेंट कौन सा? सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला जो यूज किया गया पीजोमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीजोमीटर सबसे बेसिक है, सारे क्वेश्चन नहीं सो ठीक है। दूसरा यूट्यूब मैनोमीटर, ठीक, जब हम यूट्यूब मैनोमीटर पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ेंगे यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। कौन सा? यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैकेनिकल गेज में देखते हैं कौन सा। मैकेनिकल गेज में हर सेशनल हर पेपर में पूछे जाने वाला एक ही, बोर्डन ट्यूब या बोर्डन गेज। पांच पांच नंबर में, चार चार नंबर पेपर में, 10 नंबर में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है बोर्डन ट्यूब के बारे में, लिखो डायग्राम बनाओ एक्सप्लेन करो। तो इनमें से हमें पढ़ना कौन सा? पीजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर और बोर्डन ट्यूब। ये चार इंपॉर्टेंट है, पढ़ने सारे जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीजोमीटर की, क्योंकि अगर आपने बेसिक ही पढ़ लिया तो सारा तो खत्म हो ही जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं पीजोमीटर की। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं वाले पीजोमीटर की। इसकी बात करेंगे पीजोमीटर की। ये पीजोमीटर है क्या? क्या पीजोमीटर? मैनोमीटर का टाइप। और मैनोमीटर क्या है? मेजरमेंट ऑफ प्रेशर का टाइप। तो सबसे पहला हमारा टाइप आता है पीजोमीटर। तो फिर इसे जो लिख लेते हैं पॉइंट में क्या, इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मैनोमीटर। ये मैनोमीटर का सबसे सिंपल टाइप है, बोले तो बेसिक ही यही है, स्टार्टिंग यहीं से हुई थी पीजोमीटर की, मतलब बोले तो मैनोमीटर की। तो पीजोमीटर दिखता क्या है, काम करते हैं जो समझते हैं। पीजोमीटर है जैसे एक, समझिए यह है एक, यह ग्लास की ट्यूब, बोले तो एक बॉल है सर्कुलर शेप में ट्यूब की तरह। ट्यूब कैसी? यह टेस्ट ट्यूब होती है हमारी ग्लास की, ऐसी वो हमारे सर्कल की टेस्ट ट्यूब है ग्लास की फॉर्म में। इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रेशर बना हुआ है। अब यहां से जो है ये लीक है, लीक मतलब खुली हुई है। अब यहां पर एक उल्टा एल बन रहा है, सीधा एल कैसे, तो उल्टा एल ऐसे बनेगा, ठीक। तो उल्टा एल बन रहा है कैसे, ये रहा हमारा उल्टा एल। अब जो ये उल्टा एल बन रहा है, ये ग्लासेस का काम क्या है समझते हैं आराम से। क्या हम क्या पढ़ रहे हैं? फ्लूड। तो फ्लूड करेगा, फ्लूड कौन सा? हाइड्रोजन यानी वाटर। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ फ्लूड भरा हुआ है, ये क्या है, इसके अंदर कुछ ना कुछ फ्लूड है। यहां भी है, ये फ्लूड मान लीजिए हम तक जा रहा होता है, ठीक। ये फ्लूड यहां तक जा रहा है। और एक और कमाल की बात जो हमें याद रखनी है सारे मैनोमीटर में, अगर हम इसका सेंटर देखें और इस सर्कल का सेंटर देखें, तो वो सेंटर कुछ यहां लाइज करना चाहिए। मतलब क्या इस चीज का कहने का, कि इस टेस्ट ट्यूब के, एल शेप की टेस्ट ट्यूब का और इस सर्कल का जो लाइन ऑफ सेंटर है वो कोइंसिडेंस होना चाहिए, यानी कि ये यहां होना चाहिए, समझे? नहीं समझे तो वही समझते कैसे। ये हमारा एक पीजोमीटर, ये इसका सेंटर रहेगा यहां पर, ठीक। अब तो समझ गए होंगे, ठीक। अब जो ये हमारा पीजोमीटर के जो अंदर फ्लूड है, इसका कोई डिफरेंट प्रेशर आएगा, इसका क्या है, प्रेशर पी। अब ये यहां से यहां तक की कुछ ना कुछ तो हाइट होगी, ये क्या, हाइट। अब प्रेशर का सबका फॉर्मूला लगेगा, प्रेशर का फॉर्मूला याद होगा, P इज इक्वल टू रो जी एच। ये हमारे पीजोमीटर का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, सारे मैनोमीटर में ऐसे फॉर्मूले लगेंगे सिंपल सिंपल से। अब क्या फॉर्मूला आई, P बराबर रो जी एच। P क्या है, इसका प्रेशर, रो क्या है, फ्लूड की डेंसिटी, जो इसमें फ्लूड है, क्या इसमें फ्लूड,
भूलना नहीं इसमें फ्लूड है। फ्लूड कौन सा हो सकता है? वाटर हो सकता है, मरकरी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। जी क्या है? उसकी ग्रेविटेशन। और एच क्या है? हाइट, कहां तक जा रहा है। ये हमारा सबसे सिंपलेस्ट टाइप है मैनोमीटर का। दूसरा पॉइंट क्या है? इट दूसरा पॉइंट जो है हर बार वो अगर क्वेश्चन फ्लूड में पूछा जाता है क्या, इट कैन मेजर ओनली पॉजिटिव प्रेशर। पॉजिटिव प्रेशर से क्या मतलब है? यानी ये गेज प्रेशर नाप सकता है। गेज प्रेशर नाप सकता क्या मतलब? एब्सोल्यूट गेज वाली वीडियो आ चुकी है, देख लो उसे, इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। अगर हम तीसरा पॉइंट लिखें, इट कैन नॉट बी मेजर नेगेटिव प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर। अब वैक्यूम प्रेशर या नेगेटिव प्रेशर क्या है सबको पता है। एक और पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद में सारे पॉइंट समझाऊंगा, बड़ी आसान समझ में आएंगे। चौथा पॉइंट क्या है? इट कैन मेजर ओनली, या ऐसे लिख सकते हैं, इट कैन नॉट यूज फॉर लार्ज प्रेशर। यानी लार्ज प्रेशर नहीं नाप सकता, छोटे प्रेशर नाप सकता है। इसके रीजन क्या है? इंटरव्यू में या अगर हम वाइवा की बात करें फ्लूइड मैकेनिक्स का, तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है पीजोमीटर क्या है। सब बता देते हैं, बेसिक या सिंपलेस्ट टाइप है मैनोमीटर का, ठीक। उसके बाद में पूछा जाता है कौन सा प्रेशर नापता है, ये पॉजिटिव प्रेशर नापता है, ठीक। कौन सा प्रेशर नहीं नाप सकता? वैक्यूम प्रेशर। तो ऐसे नहीं पूछेंगे, ये पूछा जाता है ऐसा कौन सा मैनोमीटर का टाइप है जो नेगेटिव प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर नहीं नाप सकता, तो कौन सा? पीजोमीटर, ठीक। अब ये लार्ज प्रेशर क्यों नहीं नाप सकता अगर पॉजिटिव प्रेशर? क्या है ये हमारा पीजोमीटर? कुछ ऐसा है दिखने में। अब ये पीजोमीटर यहाँ तक हाइट पर नाप रहा है, ये हमारा नॉर्मल प्रेशर हो गया। मान लीजिए प्रेशर नाप रहा है 1 बार तो होता ही है 1.03, अभी नाप रहा है 1.025 बार, ठीक। अब मान लीजिए हम इसे लो प्रेशर की तरह यूज कर रहे हैं, हमने इसमें हैवी लिक्विड डाल दिया लो प्रेशर पर यूज, और हमने इसका प्रेशर कहाँ से निकलेगा? हाइट से, क्योंकि जितनी हाइट बढ़ेगी उतना हमारा प्रेशर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी सेम रहेगी इसकी और ग्रेविटेशनल फोर्स सेम रहेगी, हाइट ही तो मेन डिपेंड करेगी। अब मान लीजिए हमने इसकी हाइट कर दी लॉन्ग, कॉलम कर दिया हमने इसका, कॉलम कर दिया लॉन्ग इसका, हमने लॉन्ग कॉलम कर दिया और ये कॉलम हमने यहां तक पढ़ दिया, अब हमने लॉन्ग कॉलम कर दिया। अब हम इसे लार्ज प्रेशर के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन करते क्यों नहीं है? यह हिस्सा सिर्फ इतना सा है डेप्थ में, इतना सा है, जरा सा। जितने ज्यादा इस पे कॉलम बढ़ाएंगे उसमें वो खाली नहीं है, उसमें कुछ वेट है, खाली है तो उसका भी कुछ वेट है ग्लास का, तो वो वेट लगेगा। वो कहां पर लगेगा? वो इस हैंडल को सपोर्ट करने के लिए, उसे रोकने के लिए लगेगा। अब जितनी इसका वेट बढ़ेगा तो यहां से इसके क्रैक होने के चांस बन सकते हैं, यह पीजोमीटर हमारा टूट सकता है, यहां से टूट जाएगा तो बेकार हो जाएगा हमारा पीजोमीटर। तो अभी इसलिए जो पीजोमीटर होता है वो शॉर्ट प्रेशर के लिए यूज करा जाता है और नॉट यूज होता है फॉर लार्ज प्रेशर या लॉन्ग प्रेशर। इसका कॉलम शॉर्ट रहता है, इट हैज शॉर्ट कॉलम, इसका जो कॉलम है वो शॉर्ट रहता है। ये हमारे पीजोमीटर की कुछ खास बातें। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा पीजोमीटर जो मैंने आपको समझाया वो बहुत ही आसानी से और सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। अगली वीडियो लेक्चर नंबर 17 में हम मैनोमीटर का दूसरा टाइप पढ़ेंगे। दूसरा टाइप कौन सा? पहला था हमने पीजोमीटर, दूसरा पढ़ेंगे यूट्यूब मैनोमीटर। पढ़ने के बाद में अगर हम चाहें तो फिर हम डिफरेंशियल भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपने YouTube मैनोमीटर पढ़ लिया तो डिफरेंशियल YouTube मैनोमीटर 1 मिनट नहीं लगेगा समझाने में। तो अगले वीडियो में ये पढ़ेंगे, तब तक अपना साथ बनाए रखें।